हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस लर्निंग वंस अगेन। आज हम एनपीओ चैप्टर से एक और क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन कंज्यूमर राइट नंबर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ हॉस्पिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। हमें निकालना है कि हमने इस साल कितनी मेडिसिन कंज्यूम की है जिसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो हमारे पास स्टॉक ऑफ मेडिसिन है, ईयर के बिगिनिंग में गिवन है और ईयर के एंड में भी गिवन है, अमाउंट यहाँ पे गिवन है। और इसके साथ साथ गिवन है क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन, यानी हम जो उधार माल परचेज करते हैं, यानी उधार जितनी भी मेडिसिन परचेज करते हैं, तो उसके आउटस्टैंडिंग बैलेंस गिवन है जिसे हमें क्रेडिटर्स को पे करना है। ईयर के बिगिनिंग में भी गिवन है और ईयर के एंड में भी गिवन है। इसके बाद लिखा है मेडिसिन्स परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वर रुपीज 60,80,700। हमने इस साल इतने अमाउंट की मेडिसिन परचेज भी की है, तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना है कि हमने कितना माल या कितनी मेडिसिन कंज्यूम की जिसे हम दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड। तो मेन जो हमें फाइंड करना पड़ता है वो हमें करना पड़ता है कि हमने कितना माल परचेज किया, और यहाँ परचेज ऑलरेडी गिवन है, तो इस केस में हमें इस अमाउंट की या क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन की कोई नीड नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। आने वाले क्वेश्चन में जब हमें परचेज का अमाउंट मिसिंग होता है तब हम इसको यूज करते हैं क्रेडिटर्स की ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को, ताकि हम निकाल सकें कि हमने कितना माल या कितना गुड्स, कितनी मेडिसिन हमने यहाँ पे परचेज की है। तो वो ऑलरेडी गिवन है तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। हमें सिर्फ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक चाहिए और हमने कितना गुड्स परचेज किया है। तो हम एक तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको और हम अकाउंट बना के भी इसको कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम करेंगे वन बाय वन। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। बहुत ईजी है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन, किसी भी बुक का क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। ईयर के बिगनिंग में हमारे पास स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन रुपीज 1,75,750 हमने इस साल परचेज किया। परचेज किया हमने गिवन है 60,80,700। अब हमारे पास स्टॉक हो गया, ऐड कर लेते हैं दोनों को, 62,56,450। ईयर के एंड में कुछ स्टॉक बचा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग स्टॉक है 1,44,650। बाकी जो डिफरेंस आया उसको हमने कंज्यूम कर लिया और इस अमाउंट को हम दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड। डेबिट साइड से दिखाएंगे तो आप इसमें से माइनस कर लोगे तो ये बचेगा 61,11,800। ये हमारा आंसर है। इसको आप अकाउंट बना के भी सॉल्व कर सकते हो। देखिए इस एक हम बनाएंगे स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट, और एक बनाते हैं क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन अकाउंट। स्टॉक हमारी एसेट से डेबिट से इंक्रीज करेगा और क्रेडिट से डिक्रीज करेगा, और क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है, ये क्रेडिट से इंक्रीज करेगा और डेबिट से डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक गिवन है
तो टू बैलेंस बीडी 1,75,750, क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे बाय बैलेंस सीडी 1,44,650, ओपनिंग क्रेडिट्स क्रेडिट दिखाएंगे बाय बैलेंस बीडी 15,06,900 और क्लोजिंग क्रेडिटर्स बाय बैलेंस सीडी 18,20,700। अभी हमने सिर्फ अकाउंट में स्टॉक के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस डाले हैं और क्रेडिटर्स के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस डाले हैं। इंफॉर्मेशन में लिखा है कि हमने इस साल गुड्स परचेज किया है, हमने गुड्स परचेज किया है यानी कि मेडिसिन परचेज की है, तो हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज कर जाएंगे, तो हम ये दिखाएंगे बाय स्टॉक अकाउंट 60,80,700। अब हमने गुड्स परचेज की है यानी मेडिसिन परचेज की है, तो हमारा स्टॉक इंक्रीज कर जाएगा बाय क्रेडिटर्स, क्योंकि हमने उधार परचेज किया है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। 60,80,700 हम ये फिगर यहां पर ट्रांसफर कर देंगे, हमने कितना परचेज किया, परचेज किया तो हमारा स्टॉक इंक्रीज कर जाएगा, तो हम उसमें दिखाएंगे डेबिट में। अब आप इसको क्लोज कर लो, इसको भी क्लोज कर लेंगे। तो इसके बाद जो डिफरेंस आएगा ये आएगा बैंक, हमने क्रेडिट्स को पेमेंट कर दी होगी बैलेंसिंग फिगर से, और ये देख लेते हैं इसकी आप टोटलिंग करोगे तो ये आएगा 62,56,450। डिफरेंस से हम निकाल देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हमने कंज्यूम किया, इसे हम डेबिट में दिखाते हैं, और ये डिफरेंस निकालोगे तो ये आएगा 61,11,800। ये सेम अमाउंट पहले भी आ रहा था, ये सेम अमाउंट पहले भी आ रहा था, आप चाहो तो अकाउंट से निकाल सकते हो या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें परचेज गिवन होनी चाहिए और परचेज के लिए हम बनाते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट। इस क्वेश्चन में परचेज ऑलरेडी गिवन थी तो हमें क्रेडिट अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी हमने बना लिया, इसको सीख लिया कि अगर अकाउंट्स के थ्रू करना हो तो कैसे कर सकते हैं। अब आप इसकी टोटलिंग कर लो, कर देंगे 18,20,700। तो ये हमने इस साल क्रेडिटर्स को पेमेंट की 57,66,900। बाकी इस टॉपिक पे और भी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक फॉर वॉचिंग।